अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सभी कैरियर से होंगे। मैं इंडिपेंडेंट सीनियर गोल्ड डायरेक्टर अबेल फ्रॉम ओरिफ्लेम पाकिस्तान जी। तो ये एलसी गिफ्ट मुझे रिसीव हुआ है आज, तो इसको कहते हैं अनबॉक्स। सो ये आप देख सकते हैं, ये है ऐसे गिफ्ट, ठीक है। और ये कैटलॉग्स मुझे मिली है, मैं आपको दिखाती हूँ ये भी। ये अब मैं ये ओपन करके आपको दिखाती जी। तो ये मैंने इसको भी जो है क्लियर कर लिया है, और इसमें से ये निकला है सबसे पहले दिस। ये कुछ फॉर हिम प्रोडक्ट्स है, और एक है ये वॉलेट है ये, और एक है नहीं ये दिस इज वॉच, और ये लास्ट में एक और है। दिस इज़ ये क्या है, आई थिंक ये ब्रेसलेट है जी, ये ब्रेसलेट है। इसके अलावा सबसे पहले जो मैंने आपको दिखाया है, दिस इज़ ये बैग है, ठीक है। और इसमें मतलब शेविंग का सामान या मतलब रेगुलर प्रोडक्ट्स वगैरह अगर कहीं ट्रैवलिंग करनी हो तो रख सकते हैं। सो फॉर हिम प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं आपको ये भी खोल के दिखाती हूँ जी। तो अब मैंने सोच ही लिया है कि मैं इनको खोल ही लेती हूँ। एक्चुअली पता क्या बात है, मैंने जो है ये वीडियो अभी मतलब कि ये मेरे वाइट स्लीव्स आपको नज़र आते होंगे, ये मैंने तीसरे दिन जाके बनाई है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट वीडियो का पार्ट है वो जब मैं बना रही थी, तो उस दिन ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इतनी ख़राब थी कि मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था कि मैं इसको ना उस वक्त ही अनबॉक्स कर लूँ। फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी बेहतर होती है तबीयत, तो फिर आराम से बंदा खोल लेता है, ऐसे मज़ा भी आएगा। तो फिर मैंने जो है नहीं बैठा गया, नहीं खोला गया, तो फिर मैंने इसको वैसे रख दिया। फिर मैंने जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है वैसे ही इसकी झलक दिखा दी और कह दिया दिस इज़ गिफ्ट्स, मतलब गिफ्ट्स जो हैं ये ओरिफ्लेम से आए हैं मुझे और फॉर हिम। और मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट्सएप पे कि भाई मैं मतलब कि इसको अनबॉक्स करूँ या ना खोलूँ। तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आए, मज़ा आ गया। तबीयत मेरी अपसेट थी, लेकिन सबके जो है वो कमेंट्स पढ़ के, मैसेजेस पढ़ के, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी इतने इतने मज़े के जो है मुझे कमेंट्स मिले, आइडियाज़ मिले। किसी ने कहा कि आप इसको ऐसा करें कि खोल लें, और खोलने के बाद इसको पैक ऐसे कर लें, दोबारा पैक कर लें कि ये लगे ही नहीं कि खुला हुआ है। तो ये मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। एनीवेज थैंक यू सो मच जिस जिसने जो है मतलब कि इंस्टाग्राम पे मुझे रिप्लाई किया। और अगर आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो यू आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है। और बल्कि इंस्टाग्राम पे मस्ट मुझे फॉलो करें, वहाँ पे मैं कुछ डील्स लगाती हूँ, कुछ मैं और तरह की स्टोरीज जो है वो शेयर करती हूँ, जो कि मतलब के प्रोडक्ट नॉलेज वाली भी होती हैं और आपके लिए ज़रूर इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होंगे। सो अब हम इनको करते हैं ओपन। तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ ये ब्रेसलेट ओपन कर लेती हूँ। इसकी पैकेजिंग यकीन करें इतनी अच्छी है कि आपको खोलने का भी दिल नहीं करेगा, दिल करेगा ऐसे पैक के पैक ही जो है ना बंदा रख ले। खुल जा, यहां से मैं इसको निकाल लेते हैं। दिस वन। सो ये है ब्रेसलेट, इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है और इसके अंदर ये ऐसे है। मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये ब्रेसलेट है हैंड पे, ये तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए रख लूँ, मुझे खुद बहुत सूट करेगा ऐसा ऐसी चीज। चले खैर, इसको बाद में खोल लेते हैं। ये ऐसे करके ऐसे खुल जाएगा, और ये मैं खुद भी पहन लूँ तो बहुत अच्छा लुक एंड डिसेंट लगेगा। एनीवेज अब हम चलते हैं इस बैग की तरफ। बैग भी सोच रही हूँ मैं अपने लिए रख लूँ, मेरी नीयत खराब हो रही है। नहीं, मैं अक्सर जेंट्स परफ्यूम का भी ऐसे करती हूँ, जिसकी फ्रेग्रेंस मुझे अच्छी लगे मैं वो रख लेती हूँ, अपने लिए रख लेती हूँ कि भाई इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है। और ये ऐसे है, हाँ जी भाई ये भी मेरे लिए ही ठीक है। इसमें कुछ बंदा अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह रख लेता है कोई जी। और अब बारी आती है वॉलेट की, दुआ करें वॉलेट ना मेरे को अपने लिए एटलीस्ट।
ये वॉलेट तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से सील है, ये यहाँ से खुलेगा ऐसे। एक्चुअली बात पता क्या है कि कंपनी से जो हमें गिफ्ट आता है ना, ये ऐसे नहीं आता, और जाहिर बात है मेहनत करनी पड़ती है तो ही कंपनी इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें जो है वो भेजती है। सो इसलिए एक गिफ्ट की एक एक्साइटमेंट ही और होती है, और ये बहुत प्रीशियस होता है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, और इवन हर ओरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। इसलिए मैं गिफ्ट सेल नहीं करती। जो लोग कह रहे थे कि सेल कर लें सेल कर लें, सो उनको बहुत ज़्यादा माजरत कि मैं सेल नहीं करती। मेरे किसी काम का है या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सेल नहीं करती। भाई ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है तो, लेकिन नहीं है, मैं रख लेती हूँ खुद अपने लिए नहीं, मतलब ये वैसे ही मैं रख लेती हूँ, अच्छा लगेगा। बहुत ज़बरदस्त है, मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ, ये देखें। अच्छा मज़े की बात ये है, मैंने खुद भी इनको खोल के नहीं देखा, मैंने कहा मैं सबके साथ ही देखूंगी। ये एक ये पॉकेट है, ये है, ये है, इसके अलावा ये है, इसके अंदर ये है, एक यहाँ ऐसे है, ठीक है, और ये भी है जी। सो बहुत अच्छा है, लाइट वेट है, बहुत इसका स्टफ सॉफ्ट है, बहुत एक्सपेंसिव वन है। और अब बारी आती है वॉच की, ठीक है, वॉच भी मैं खोलने लगी हूँ। मुझे शायद पहले ही ओपन कर लेना चाहिए था, बस खुल जाएगा ये। अच्छा अनबॉक्सिंग का मज़ा ही तब आता है जब आप ऐसे ही अनबॉक्स करो, तो जब आप वीडियो बनाओ आपको भी सरप्राइज मिलेगा ये क्या है। इधर से यहाँ से भी इसको करना पड़ेगा, टेप लगानी पड़ेगी। पैकेजिंग बड़ी अच्छी होती है हमारी ओरिफ्लेम की, बहुत बहुत ज़बरदस्त पैकेजिंग होती है, मैंने कभी इतनी अच्छी पैकेजिंग नहीं देखी किसी और ब्रांड की। गहरी बात है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स है, और ये ब्रांड है वो भी यूरोपियन ब्रांड है, सो इट इज़ रियली गुड। अच्छा इसकी पैकेजिंग की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसके जो बॉक्सेस होते हैं उनका मटेरियल, मतलब फाइन मटेरियल है, यू कैन से पता चलता है आपको ये चीज़ पकड़ के कि ये डब्बा बहुत एक्सपेंसिव वन है, बॉक्स बहुत एक्सपेंसिव वन है। सो ये दिस इज़ द वॉच, वाह भाई वाह, ज़बरदस्त वॉच, बहुत खूबसूरत है लिटरली, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये लेदर की है, ये देखिए आप देख सकते हैं, मैं इसको निकाल लूँ, ऐसे करके निकाल लेते हैं, बहुत खूबसूरत वॉच है। थैंक यू सो मच ओरिफ्लेम पाकिस्तान फॉर सेंडिंग मी दिस, स्पेशली दिस वॉच। सो ये था मेरा गिफ्ट, अल्लाह करे आपको पसंद आए, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।